मंदिर के काफी करीब आ चुके हैं हम लोग। अगर किसी के घर है तो फिर भी बना देना चाहिए, क्या पता कब बेघर हो जाए। जय माता दी, जय माता दी। नमस्कार प्रणाम, आप सभी को लेकर आ गया आप सभी के लिए हमारा एक और नया ब्लॉग। हेलो, तो गाइस ये वो रास्ता है जहाँ से हम चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। हमने यहाँ से चढ़ाई शुरू कर दी है, अपने साथ ले जाएंगे, हम मंदिर के अंदर ही ले जाएंगे। काफी खड़ी चढ़ाई है और हम लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया है। जय माता दी, जय माता दी। खूबसूरत नजारा आप सभी के सामने दिख रहा होगा। कहाँ जा रहे हो बच्चा? घर जा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर दिख रहा है यहाँ से। पिछले ब्लॉग में हमने आप सभी को मनसा देवी माता का दर्शन करवाया था और यहाँ से भी माता का दर्शन आपको करवा रहे हैं। कुछ शॉर्टकट रास्ते भी होते हैं पर हम लोग इस सुविधाजनक रास्ते से आगे बढ़ने वाले। इनको बोलो कि देखो पानी चढ़ते हैं। ये लैंडस्लाइड के कारण रास्ता खराब हो गया है, काफी खतरनाक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुंदर नजारा। ऑनलाइन बना रहे हैं इस प्रकार से बाबा किसी को टीका लगाकर, किसी को टीका लगाकर ये लोग पैसे मांगते हैं। ये काफी लंबा रास्ता पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इन पत्थरों से अपना एक घर बना दिया जाए तो लाइफ में एक घर खुद का भी बन जाता है। अगर किसी का घर है तो फिर भी बना देना चाहिए, क्या पता कब बेघर हो जाए। अगर घर है तो फिर भी आपको ये जरूर बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी का घर नहीं है और अगर उसने यहाँ पे माता के दर्शन मार्ग में ऐसा अपना एक घर बनाया है तो उसका भी एक घर बन जाता है। उतरते हुए काफ़ी आरामदायक रास्ता है, बाकी मेन दिक्कत चढ़ाई में ही आती है। गाइस इतना लंबा सफर तय करने के बाद यह है माता का मंदिर। बहुत ही लंबा चौड़ा और घुमाओ फिराओ वाला रास्ता होता है यहाँ पे। विजय, प्रसाद ले लो। प्रसाद हम आगे ले लेंगे। ऊपर है ले? हाँ। रास्ते में ले आ भाई, नहीं करी भाई। रास्ते में हम लोग प्रसाद नहीं लेंगे। मंदिर के काफी करीब आ चुके हैं हम लोग। आखिरी पड़ाव को पार करने के बाद आप सभी को माता के दर्शन करवा देंगे हम। इन सीढ़ियों को बस किसी भी तरह पार कर ले, पैर ने जवाब दे दिया। ये शॉर्टकट रास्ता पर काफी खतरनाक भी है। मैं भाग भाग कर आगे बढ़ रहा हूँ। फाइनली इतना भागने के बाद मंदिर के काफी करीब आ चुका हूँ और सभी श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। माता के दर्शन दुकान के काफी करीब है हम लोग।
मंदिर परिसर के बाहर काफी दुकानें आप सभी को देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे चप्पल जूते उतरवाने के लिए लोग खोज कर रहे हैं। जय माता दी। ये मंदिर के अंदर दुकानें हैं। हेलो प्रसाद ले लो भैया, संतरा टॉफी गूगल लगान हिंग सिलाजी ताइए। फाइनली हमने दर्शन तो कर ही लिया है, तो अब बढ़े अपने अगले सफर की ओर। नेक्स्ट व्लॉग होगा काफी शानदार। सो गाइस, फाइनली गाइस हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम यहाँ से अपने अगले सफर की ओर जा रहे हैं। जय माता दी।